हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी में वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं सीजीपीएससी एमआई वैकेंसी की। सीजीपीएससी ने अभी एक वैकेंसी जारी किया है जिसमें पोस्ट का नाम है भृत्य, और ये जो पोस्ट आया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आया हुआ है, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है 8वीं, और 8वीं के साथ साथ आपको एक वर्क आना चाहिए और उस वर्क का नाम है साइकिल। इसका मतलब है आपको साइकिल चलाने आना चाहिए और साथ ही साथ आपको शुद्ध लेखन आना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आपको कोई चीज बोला जाए तो आप उसे सही तरीके से बिना मात्राओं की गलती के लिख सके, ये इसमें योग्यता इट मींस क्वालिफिकेशन मांगा गया है। साथ ही साथ एज लिमिट इसमें रखा गया है मिनिमम 18 साल, और मैक्सिमम इसमें एज लिमिट है वो है 35 इयर्स। इसमें जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उन लोगों को 40 इयर्स इसमें रखा गया है एज लिमिट, और अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी मिल जाएगा। इसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, और एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह होगा। दो टाइप का एग्जाम होगा इसमें। पहले स्टेप में जो एग्जाम होगा उसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और मैथ्स रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें, और चूंकि इसका क्वालिफिकेशन 8th लेवल का है तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा मैथ्स और रीजनिंग का वो जाहिर तौर पर 8th लेवल का ही होगा, और छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, जो जनरल सामान्य ज्ञान है, वो उसमें पूछा जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम होगा इसमें स्टेप टू, उसमें इमला। इमला का अर्थ होता है कि इसमें एक पर्सन होंगे, एक टीचर हो सकते हैं, वो कुछ पेज को वो बोलते जाएंगे और आपको उसे लिखते हुए जाना है। आपने अगर उसको सही तरीके से लिखा, जितनी कम मात्राओं की गलतियों में आपने लिखा तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये दोनों स्टेप मिलाकर आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स का होगा, और उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जब आपकी मेरिट लिस्ट निकल जाएगी और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग में कर दी जाएगी। इसमें पोस्टिंग होने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो लेवल 1 की होगी। चूंकि एक 4th ग्रेड का एक पोस्ट है सो इसमें आपकी जो सैलरी लेवल 1 के अंतर्गत आएगी, तो आपके पास एक बढ़िया मौका है एक गवर्नमेंट सर्विस पाने का। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिए, और इसमें अप्लाई करने का जो ऑनलाइन डेट शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है 8 जून 2022, और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 2 जुलाई 2022। तो बिल्कुल इसे देखिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।